पिछली बार हमने देखा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत मुख्य रूप से सौरमंडल पर ही लागू होते थे। उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में लगाना अनेक नए रहस्यों को जन्म देता था। आप देख रहे हैं द कॉस्मो शो और आज हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को बाहरी अंतरिक्ष में लगाने पर आगे क्या हुआ। तथ्य यह है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को उस क्षेत्र में एक अंतर्गत गुणधर्म की तरह माना। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुएं अपने द्रव्यमान के प्राकृतिक आकर्षण से एक दूसरे की ओर आकर्षित होती थी, किंतु ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छी नहीं लगी। सन 1912 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत की, जिसने पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की एक बहुत ही अलग परिभाषा बनाई। उन्होंने ब्रह्मांड को रबर की चादर के रूप में वर्णित किया, जैसे कि सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और तारों सहित हर आकाशीय गोले ने उस चादर में एक गड्ढा बना लिया हो। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक कम द्रव्यमान की दूसरी वस्तु को एक सीधी रेखा में एक चादर पर ले जाने और बीच के गड्ढों की ओर गिरने की क्रिया है। इस प्रकार न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण आकाशीय क्षेत्र का बल है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक मुड़ी हुई स्पेस शीट के अलावा और कुछ नहीं। अगर एक वक्त के लिए मान ले कि ब्रह्मांड का स्वरूप अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहे मुताबिक है, तो फिर कहा जा सकता है कि दूसरे सभी खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अंधेरे में थे। हालांकि इस अंधेरे को दूर होने में वक्त नहीं लगा। सन 1919 के सूर्य ग्रहण के वक्त अनेक प्रकाश वर्ष दूर का एक तारा सूर्य और पृथ्वी की एक सीध में दिखाई दिया। तारे की किरणें सूर्य की ओर निकली, जहां अवकाशीय चादर में गड्ढा पड़ा हुआ था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी पर अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने अपने सूक्ष्म उपकरणों से देखा कि दूर के तारे से प्रकाश चमक रहा है। इसका मतलब यह है कि तारा जहां था उसके बजाय एक अलग जगह पर देखा गया था। यहाँ तक कि नासा के मंगलयान ने पृथ्वी पर भेजे गए विद्युत चुंबकीय संदेश में थोड़ी देरी हो गई जब सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचा, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में समय स्लो हो जाता था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सच थी। जैसे जैसे वेग बढ़ता है, वैसे वैसे समय स्लो होता जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सन 1970 के दशक में दो यात्री जेट पर लगी परमाणु घड़ियों से सच साबित हुई थी। बेशक डॉक्टर आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को सही ढंग से परिचित करवाया, जिससे ब्रह्मांड के बारे में कई गलत पुरानी मान्यताएं टूट गई। न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का गणित निश्चित रूप से उनकी वजह से गलत नहीं हुआ। इन क्रांतिकारी सिद्धांतों के आविष्कार के ठीक 20 साल बाद मानव इतिहास का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 उनके शाब्दिक निर्देशों का पालन करते हुए अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस उपग्रह को भेजने के बाद क्या हुआ, उसे जानने के लिए देखते रहिए द कॉस्मो शो।